हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी और बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है सिंपली दाल फ्राई इन द कुकर। कि आप सीधे कुकर में दाल फ्राई अगर करते हैं तो आपको क्या डिफरेंस पता चलता है नॉर्मल बॉईल की हुई दाल को फ्राई करने के बाद और सिंपल दाल फ्राई इन कुकर, क्या डिफरेंस आपको पता चलेगा। आज मैं आपको उसी के बारे में बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। आप जैसा यहाँ देख पा रहे हैं, मेरे पास एक अनियन कटा हुआ रखा हुआ है, वन से दो चिली रखी हुई है जिसे मैंने बारीक क्रश कर लिया है, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ जिसको भी मैंने क्रश कर लिया है, और जिसे ये अदरक आपको दिख रहा है इसे मैंने हल्का सा ग्रेट करके रख लिया है, और ये जो है हमारा शुद्ध देसी घी है। और फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये मैंने 1.5 कटोरी के आसपास अपनी जो नॉर्मल तुअर दाल होती है उसको भिगो कर रख लिया है, और ये जो नॉर्मल हमारे घरों में अवेलेबल होता है मसाले का डब्बा, इन्हीं का यूज़ करके आपको सिंपल दाल को फ्राई करना है। बट इसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा आएगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल दाल फ्राई का। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद इसमें हम ऑयल डालेंगे, जितनी आपकी क्वांटिटी है दाल की उसके अकॉर्डिंग हम इसमें ऑयल को डालेंगे, लगभग 1 से 1.5 चम्मच के आसपास, बड़ा वाला, उसके हिसाब से मैंने इसमें ऑयल को डाल दिया है। अब हम थोड़ी देर के लिए ऑयल को गर्म होने देते हैं, तो देख लेंगे आप कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। हाई फ्लेम पे रखा है हमने ताकि वो जल्दी से गर्म हो जाए। ये जो ले रही हूँ मैं 2 से 3 इंच के आसपास हींग ले रही हूँ, क्योंकि हींग से दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने हींग डाल दिया है। दाल फ्राई के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो है हमारे ये सरसों के दाने, ये डाल रही हूँ मैं, और हींग जो होता है वो है जीरा, जीरा भी मैंने इसे इसमें लगभग डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून के आसपास। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इसके अंदर ये जो हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए थे हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर इसे डालते जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें जिंजर डाल देंगे, इसे आसानी से बोल देंगे। इसके बाद लहसुन की कलियाँ 3 से 4 जो हमने बारीक कट कर ली थी उसे डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं से 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से डाल दिए हैं और इन्हें हम मिक्स कर रहे हैं। इन्हें तब तक करेंगे जब तक ये हल्का सा ब्राउनिश पिंक कलर ला दे दे। लास्ट में हम इसमें अच्छा ब्राउन होने तक चलाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको जल्दी दाल फ्राई करना है, कई बार हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि घर में हमारे पास सब्जी अवेलेबल नहीं होती है, तब हमने क्या समझ में आए ऐसा क्या चीज़ बनाई जाए जिससे वह इजीली बन भी जाए और घर के सभी मेम्बर्स को पसंद आए। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, आपका बहुत ही कम टाइम कंज्यूम करेगी और बहुत ही जल्दी आप इसे बना भी लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे प्याज को सिकने में थोड़ा टाइम लग रहा है, अगर आप प्याज को जल्दी ही सिकना चाहती हैं तो इसमें नमक को डाल दीजिए। ये नमक हमारी दाल के अकॉर्डिंग डालेंगे ताकि हमारे जो अनियन है वो जल्दी से। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मेरे जो अनियन हैं जिन्हें प्याज भी बोलते हैं बहुत आसानी से पिंकिश कलर के हो चुके हैं। इसी के बाद मसाले में हम इसमें थोड़ा थोड़ा क्या मिक्स करते जाएंगे, ये जैसे हमने धनिया पाउडर लिया है ये 1 से 1.5 चम्मच के आसपास धनिया पाउडर डाल दीजिए। इसके बाद इसमें
हल्दी, थोड़ा सा रेड चिली टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा गरम मसाला 8 टेबल स्पून के आसपास। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करिए। ये देखिए हमारे सारे मसाले अच्छी तरह भुन चुके हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। मसाले हमारे पूरी अच्छी तरह से भुन चुके हैं। इसके बाद हम इसमें ये दाल को डाल देते हैं। इसमें दाल में आपको पानी कैसा रखना है, जब आपको 1.5 कटोरी आपने दाल दी है तो आपको 2 कटोरी के आसपास इसमें पानी को रखना है। दाल में एक उबाल आ जाने दीजिए। इससे अगर आप थोड़ा कलरफुल इफेक्ट देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स उसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च जैसा मैं दे रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। जिसे भी दाल पर कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए। और इसके बाद देते हैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून के आसपास हमें शुद्ध देसी घी डालना है, जिससे दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेंड्स आपके घर में छोटे से लेकर बड़े तक जितने लोग हैं सभी को यह कुकर में पकी हुई दाल बहुत ही पसंद आएगी। फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। और आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके बाद मैंने कुकर को लगा दिया है। 5 से 6 मिनट में आपका यह दाल बनके रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मैंने फ्यूचुरा का प्रेशर कुकर लिया है, लेकिन इसमें थोड़ी वर्किंग इसकी अलग है। फर्स्ट सीटी आपको हाई पे लेना है, देन उसके बाद आपको मीडियम लो पे रख के 5 से 6 मिनट इसको पकने के लिए देना है। उसके बाद कुकर को खोल देना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी सिंपल दाल फ्राई बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसे हमने कुकर में पकाया था, बहुत आसानी से कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हम विद द हेल्प ऑफ धनिया पत्ती की सहायता से इसे हल्का सा गार्निश। जैसा कि आप देख रहे हैं ये दाल फ्राई हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, जिसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया था और इसे धनिया पत्ती की सहायता से गार्निश कर लिया है। अब यह दाल पूरी तरह रेडी है। आप इसे सिंपल चपाती से या पराठे के साथ किसी के भी साथ खाइए और इस दाल का भरपूर आनंद लीजिए। फ्रेंड्स आज की यह रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आई होप आज का यह वीडियो मेरा पसंद आया होगा आपको। Thank you.